दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं इनके सबके। कितना? 4/7 है, तो 4/7, तो दोनों को क्या, न्यूमिनेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 8/14 हो जाएगा। हमारा एक आ गया, दूसरा अगर हम चाहें तो 8/14 इसको भी 2 से कर सकते हैं या 3 से भी। तो कितना आ जाएगा, 8 2 16 और 14 2 28, तो ये हमारा 1 और 2 आ गया। ठीक है, ऐसे 5/9 है, दोनों को 2 से कर देंगे, तो 5 2 10 और 9 2 18। ठीक है, ऐसे हम कितना है, 10/18 को कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 20/36। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर हम इसको फिर काटें तो यही आ जाए। जैसे 1/2 का इक्विवेलेंट हम मैं कह रहा 2/4, अगर मैं इसको काटूँ 2 1 2 2 2 4, तो यही निकल रहा, इट मीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब बराबर है। ठीक है, अब 2/15 है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से, डिनोमिनेटर को 2 से, कितना आ जाएगा, 4/30। अगर मैं 4/30 को काटूँ तो फिर हमारा 2/15 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट करें। सेकेंड हमारा 4/30 है, तो इसको अगर मैं 2 × 2 से करूँ तो क्या आ जाएगा, 8/60। ओके, तो ये क्या होगा, मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। ऐसे 8/11 × 2 × 2 कर दो, 8 2 16, 11 2 22। अब 11/22 को भी 2 से कर दो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा, 32/44। ठीक है, ऐसे हमारा 11/18 है, टू दोनों को 2 से कर दो, इक्विवेलेंट 22/36 आ जाएगा। अब एक और निकालना है, तो 22/36 को भी 2 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, 44/12 और 6 2 12, 3 2 6 1 7, 72 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। ओके, थैंक यू।